एक बूढ़े बुजुर्ग तो दरवाजे पर बैठे थे, रो रहे थे। ग्रंथ में कथा है, नारद जी पहुंचे, बोले बाबा क्यों रो रहे हो? बोले घर में कोई इज्जत नहीं, कभी कुछ बेटा कह के जाता है, कभी बहू कह के जाती है, कभी पोता पोती कुछ कह देते हैं। तो चलो हम तुम्हें कहीं ले जाएं आश्रम में, पूज्य बाबा बालजी महाराज का आश्रम, वहां राम राम करना, कृष्ण कृष्ण करना, प्रसाद मिल जाएगा, कथा सुनना, चलो। तो वो बुजुर्ग क्या बोले, अरे क्यों चला जाऊं? अरे अपने घर के दरवाजे पे बैठा, कम से कम चौकीदारी तो कर रहा हूं, कोई और आता नहीं, चौकीदारी कर रहा हूं बैठ करके। अरे ऐसी भी कथा पुराणों में है, उस बुजुर्ग का शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद में वो कुत्ता बना अगले जन्म में, क्योंकि उस दरवाजे का चिंतन करते शरीर छूटा। फिर नारद जी आए, अब तो चलो, अब क्या बाकी रह गया? उस कुत्ते के रूप में उस व्यक्ति ने कहा, अरे हमें नहीं जाना बैकुंठ। बोले अरे तुम्हारे बच्चे तो तुमको लाठी डंडे से मारते हैं, तुम कुत्ते बने हुए हो यहां? बोले कोई बात नहीं, मेरे ही तो बच्चे हैं, लाठी डंडा मार देते हैं कोई बात नहीं, रोटी तो दे ही देते हैं खाने पीने को, कम से कम घर की चौकीदारी तो कर रहा हूं। ऐसा मोह, कबीर बाबा कहते हैं, जब हम जग में आए थे जगत हंसा हम रोए, पर अब ऐसी करनी कर चलो, हम तो हंसे जग रोए। बालक रोता है, और यदि बालक जन्म लेके न रोए तो डॉक्टर कहते हैं बच्चा स्वस्थ नहीं है, रोया नहीं, रोना जरूरी है, यह संसार का नियम है। सब घर के लोग बधाई करते हैं, खुशी मनाते हैं, कोई कहता अरे मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है, कोई कहता अरे मेरे घर भतीजा हुआ है, कोई कहता है मेरे घर भांजा हुआ है, कोई कहता मेरा नाती है, कोई कहता मेरे घर पोता हुआ है, कोई कहता मेरे घर भाई का जन्म हुआ है। वो जीव कहता है, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं, ये झगड़ा तुम चुका दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवान बना दोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहां सब मुझसे कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वो बच्चा रोता है, कोई ये क्यों नहीं कहता मेरे घर प्रभु के दास ने जन्म लिया है, ये नहीं कहता मेरे घर किसी कृष्ण दास ने जन्म लिया है, गौर दास ने जन्म लिया है, राम दास ने जन्म लिया है, ये कोई नहीं कहता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसको भक्ति की बात तो कोई नहीं बताता। बच्चा 4-5 बरस का हुआ, कोई आके महात्मा कहे अरे भैया ये छोटे बालक हैं, संस्कार देने का यही समय है, बच्चों को भजन की शिक्षा दो, जैसे और चीज के लिए समझाते हो, पढ़ने के लिए कहते हैं, खाने के लिए कहते हैं, सोने के लिए कहते हैं, 4-5 बरस का बच्चा है कोई बात नहीं, उसको कहो ना कि बेटा एक माला तो जरूर करनी है, हमारे साथ बैठो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चे से कहिए ना बेटा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कम से कम गीता जी का एक श्लोक तो पढ़ना है, या रामचरितमानस जी का 1-2 चार चौपाई तो पढ़नी है। बच्चे को सिखाइए, पर उस समय कहा माँ बाप ने कहा अरे ये 5-7 साल के बच्चे कोई भजन करने की उम्र है, नहीं नहीं खेलने दो, खेलने दो, चलो खेलने दो, खेल लिए,
और बड़े हो गए, 12-15 बरस के हो गए। फिर कोई महात्मा आए, कहा भाई अब तो बच्चे स्याने हो गए, इनको संस्कार दीजिए। माँ के पेट में बच्चे का शरीर बनता है, 5 बरस की आयु से 15 बरस की आयु तक बच्चे का मन बनता है। हम अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बना सकते हैं। माओ पर बहुत बड़ा दायित्व है, यहां माओ की संख्या तो खूब है, आप सबसे हाथ जोड़ के कहिए अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार दीजिए, पोता पोती को भक्ति के संस्कार दीजिए। हम लोग अगर संतान को नहीं संभाल पाए तो कुछ नहीं संभलेगा। केवल धन से बात पूरी नहीं होगी अगर संस्कार नहीं रह गए। अपने बालक को ध्रुव प्रहलाद बनाना है, महाराणा प्रताप बनाना है। कै तो जननी भक्त जन, कै दाता कै सूर, अना तो जननी बांझ रह, काहे गवावे नूर। अगर भक्त को जन्म नहीं दिए, दानी को जन्म नहीं दिए, देशभक्त को जन्म नहीं दिए, तो फिर पशु में और हम में भेद नहीं रह गया। जन्म तो बालकों को पशु भी देते हैं, बहुत बालकों को जन्म देते हैं, वो 7-8-10-12 बरस के हुए। अब अरे अब तो पढ़ने लिखने की उम्र है, ये भजन कीर्तन की बात छोड़ो करी जाएगी। अरे भैया ठीक है, पढ़ने लिखने की उम्र है, मोबाइल में तो बच्चे कितना समय बिगाड़ते हैं, उनसे पाठ करवाइए, जप करवाइए, सत्संग सुनवाइए, खुद घर में बैठ के सत्संग करिए, रामायण खोल के पाठ करिए, भागवत जी पाठ करिए, बच्चों को बिठाइए। नहीं, ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है। और बच्चे बड़े हो गए, 20-22 साल के हो गए, भैया अब तो जवान हो रहे हैं बच्चे, इनको सिखाइए। बोले अब तो हमारी बात सुनते नहीं। अरे जब सुनते थे तब सुनाया नहीं उनको, अब 20-25 साल के बेटा बेटी को नहीं बदल पाएंगे, अब वो हमारी नहीं मानेंगे। जब 5 साल के बच्चे थे तब कहां चले गए थे हम, जब 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा था तब क्यों संस्कार नहीं दिया। अब 20 साल के बच्चे को समझाएंगे कि वो हमको समझा देगा, अब भी दो। अरे नहीं, अब तो बस बच्चों के ब्याह शादी हो जाए, चलो ब्याह शादी कर लो तब भजन हो जाएगा। अब बालकों के ब्याह शादी हो गए, अब भजन कर लो। अरे अब कौन भजन करे, अब तो हम लोगों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, अब भजन कीर्तन की बात नहीं, हमें सुख के साधन जुटाने हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा बनाना है। अब संतान का जन्म हो जाए तब सोचेंगे। चलिए संतान का जन्म हो गया भैया, अब तो घर पूरा हो गया, अब सदगृहस्त बनो, भजन करते गृहस्थ का पालन करो। बोले अरे अब ये छोटे छोटे बच्चों को पालें कि माला संभालें, अब माला हो रही है क्या, अब बालकों को पाल लें। चलो बालकों को पाल लिया, बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अब बच्चे कुछ बड़े हो गए, अब कर लो। बोले अब कहां भजन होए, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी, आमदनी के साधन, इतनी महंगी पढ़ाई, इतनी महंगी सब चीजें, बहुत पैसे चाहिए, तो धन कमाना है ज्यादा। चलिए ठीक है, बच्चों को पढ़ा लिखा लीजिए, बच्चे भी पढ़ लिख गए, भैया अब भजन कर लो। बोले बस अब बच्चों का ब्याह और हो जाए, और फिर क्या करना है, बस फिर तो वृंदावन में जाके बस राधे ही राधे करेंगे और सब काम बंद, बच्चों के ब्याह और हो जाए। अब बच्चों के ब्याह हो गए, भैया अब भजन कर लो। बोले बस एक तो बेटे के घर बेटा हो जाए
और एक बेटी के घर बेटा हो जाए, एक तो नाती का मुंह देख लें और पोते का मुंह देख लें तब भजन करेंगे। अब नाती पोता भी हो गए, अब भजन कर लो। बोले क्या करें, बेटा भी नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, अब वो तो चले जाते हैं ऑफिस, अब पीछे छोटे छोटे बच्चों को संभाले कौन, तो हम ही पालते हैं उनको। तो पोता पोती बड़े हो जाए तब भजन करेंगे। अब पोता पोती भी बड़े हो गए, अब भजन कर लो, अब तो किसी की किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं रही। बोले अब भजन कैसे करें, अब कथा में जाना चाहें तो घुटना काम नहीं करें, चला नहीं जाए, सबसे पहले बैठने को कुर्सी चाहिए, और चलो कोई ले भी गया तो कान से पूरा सुनाई नहीं पड़े। अब कीर्तन करना चाहें तो गले में कफ अटका रहे, आवाज निकले नहीं, राम राम नहीं निकले, घर घर निकले। अब क्या करें, बोले अब तो बहुत दुर्गति हो गई, अब घर वाले भी कहते हैं जाने कब तक रहेंगे, कब मरेंगे पता नहीं, और अब तो बहुत दुर्गति हो गई शरीर की, लेकिन इतनी वृद्धावस्था में भी भजन में रुचि नहीं,